मीराबाई की पदावली, मैं वैष्णव भक्ति के अनुसार वर्णित माधुर्य भक्ति की बात हम कर रहे थे। तो माधुर्य भक्ति किसे कही जाती है उसके बारे में मैंने समझा ही दिया है। तो मीरा क्या कहते हैं, ओढ़ी चुनर प्रेम की गिरधर दी भरता। मैं अपनी हमारी संस्कृति की बात कर रहा था कि कोई भी कन्या स्त्री कब बनती है, जब वो अग्नि की साक्षी में अपने पति के साथ 4 या 7 चक्कर फेरे लगाती है, तब उससे पहले उसकी सगाई होती है, एंगेजमेंट होता है, तो उस वक्त भले वो शादी के दिन ही चुंदड़ी ओढ़ाई जाती है, चुंदड़ी ओढ़ाड़वा जाइए आपड़ा में केवत छे, तो वो अपने पिया के नाम की चुंदड़ी ओढ़ती है। और कुछ औरतें, कुछ कन्याएं जो वो चुंदड़ी ओढ़ी है, उस प्राण को, उस प्रतिज्ञा को पूरी जिंदगी तक निभाए रखती है, जैसे सीता जी ने निभाई थी, जैसे राम ने निभाई थी। एक बार लग्न कर लिए, शादी कर ली, विवाह कर लिए, बात खत्म हो गई। लेकिन आज के समय में कुछ ये अलग बातें हैं। तो ये ओढ़ी चुनर प्रेम की गिरधर जी भरता, प्रेम की चुनरी, मतलब कृष्ण के साथ मैंने प्रेम की चुनरी ओढ़ी है और गिरधर जी मेरे भरतार पति है। इस गिरधर जी के प्रति मीरा की अनन्य प्रीति है, प्रेम है, अनन्य प्रेम, क्योंकि माधुर्य भक्ति में प्रेम होता है। लेकिन यहां पति पत्नी के प्रेम में जिस वासना, जिस विषय वासना को प्राधान्य होता है, उसी विषय वासना का प्राधान्य मीरा और कृष्ण के प्रेम में नहीं है। ये बात भी हमें स्पष्ट कर देनी चाहिए। जो तुम तोड़ो पिया में नहीं तोड़ो, तेरी प्रीति जोड़ी प्रभु कौन संग जोड़ू। हे प्रभु, आप अगर मेरे साथ प्रेम का नाता तोड़ देंगे तो भी मैं नहीं तोड़ना चाहूंगी, क्योंकि मैंने एक बार आपके साथ संबंध जोड़ दिया है, अब मैं किसके साथ जोड़ूं। साथ ही साथ मीरा श्री कृष्ण के साथ बचपन से ही प्रेम होने का इकरार करती है, स्वीकार करती है कि भगवान कृष्ण और मेरा प्रेम जो है वो बचपन का है। बालपना की प्रीति रमैया जी कदे नहीं आयो थारो, तो थारो तो ब्रजभाषा का प्रभाव, तुम्हारी प्रीति की तुलना किसी के साथ की नहीं जा सकती। तुम्हारी प्रीति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा कृष्ण का प्रेम किसी की तुलना में आ नहीं सकता। अनन्य अलंकार है, अनन्वय अलंकार, हिंदी में उपमेय की उपमा, उपमेय और उपमान की तुलना किसी के साथ की न जा सके तो उसको अनन्वय अलंकार कहा जाता है। जैसे गांधी जी ही गांधी जी, वल्लभ भाई ही वल्लभ भाई। अपने बचपन के स्नेही के साथ एक ऐक्य स्थापित करके आने की राह देखती है। पिया अब घर आजियो मेरे, तुम मेरे हूँ, तुम मेरे हूँ तेरे, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ, मैं जन तेरा पंथ निहारू मार्ग चितवत तोरे। मैं मार्ग, अपने सौराष्ट्रनी बोली माई शब्द छे मार्ग, क्योंकि मीरा भाई सौराष्ट्र में से द्वारिका गए थे और ऐसी किंवदंती प्रचलित है कि द्वारिका में भगवान कृष्ण ने 2 हाथ फैलाए और उसमें मीराबाई समा गए। तो मार्ग, रास्ता, राह। मैं जन तेरा पंथ निहारू मार्ग चितवत तोरे, मैं तुम्हारा पंथ देखती हूँ मार्ग चितवत तोरे। चितवत मतलब हमारा चित्त जिस प्रकार से होता है, मेरा चित्त तो
तुम्हारे मार्ग में है, किस रास्ते से भगवान मेरे घर आए, राह देखती हूं, पंथ निहारती हूं। आंखें जो है पंथ देखती है और चित्त जो है वो उस मार्ग पर है कि कब भगवान उस रास्ते से मेरे घर आए। मेरा क्योंकि जहां प्रेम है वहां विरह तो होता ही है, मीरा के विरह में भी माधुरी भाव है, माधुर्य भाव है। कृष्ण उससे बिछुड़ गए हैं, अलग गए हैं, उससे अलग हो गए हैं, तो भी वहां माधुर्य भाव है। वह गोपी भाव से श्री कृष्ण को संदेश भेजना चाहती है। जे मेरा गोविंद दूर बसत है, मोई संदेश देना है। कृष्ण के लिए गोविंद शब्द का प्रयोग किया गया है। जे मेरा गोविंद गाली देवे, सनक सनक सुन लेना है। गोपी से कहती है कि यदि तुम संदेश भेजने जाओ और कृष्ण गाली देवे सनक सनक, धीरे धीरे उसको सुन लेना, क्योंकि मैंने कहा ना कि प्रेम ऐसी चीज है कि जिसमें जो प्रिय पात्र होता है उसकी गाली भी अच्छी लगती है, उसकी खराब बात भी अच्छी लगती है, वो गुस्से होता है तो भी अच्छा लगता है। क्यों? प्रेम के खातिर। जे मेरा गोविंद बैन बजावे, प्रेम मगन होई कहना है। गोपी से मेरा संदेश भिजवाती है कि उस गोविंद को कहना कि प्रेम से पूर्ण होकर वो मुरली बजाए है, क्योंकि मुरली का तान सुनना सब गोपियों को, सब ब्रजवासियों को बहुत ही प्यारा लगता है। मीरा के मन में कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है कि पपीहा जैसे पक्षी के मुख से पीव शब्द नहीं बोलने देना चाहती है, क्योंकि नारी है इसलिए नारी सहज ईर्ष्या का भाव भी है। भले भक्त है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, अपनी नारी सहज ईर्ष्या क्रोध और प्रसन्नता के भाव को व्यक्त करती है। पपिया रे पिव की बानी न बोल, सुनी पावेगी विरहिनी राखेली पांखा मरोड़ी है। तू पीव पीव करेगा तो मेरी तुम्हारी पांख मरोड़ दूंगी है। देखो कितना कृष्ण के प्रति प्रेम है और एक पक्षी के प्रति कितनी वो क्रोधित होती है पपी है के प्रति। चोंच कटाऊं पपिया रे ऊपर कालो रे लौन, मैं तुम्हारी चांच कटा दूंगी और उस पर लौन, लौन का अर्थ होता है नमक डाल दूंगी, जिससे तुम्हें बहुत ही जलन होगी, इसलिए पीयू पीयू मत करना। पपीहे को संबोधित करते हुए कहती है, थारा शब्द सुहावना रे जे पीव मिलावे आज। पुनः जो अगर तू मुझे अपना प्रियतम मिला देता है, मेरी भेंट कृष्ण के साथ करवा देती है, थारा राजस्थानी तुम्हारा शब्द मुझे प्यारा लगता है, थारा शब्द सुनावा जे पीव मिलावे आज। चोंच मढ़ाऊ थारी सोहनी तू मेरे सिरता, मैं तुम्हारी सोने की चांच मढ़ा दूंगी, तू मेरा सिरताज है। तो इसी प्रकार सूफी काव्य परंपरा के अनुसार मीराबाई द्वारिका वासी श्री कृष्ण को तो कोती चोंच को सलाम और पांखों पर संदेश भेजना चाहती है, क्योंकि सूफी काव्य परंपरा में भी ए भौरा ए काग, जैसी ने जैसी की नायिका कहती है पद्मावती, ए भौरा ए काग, ए भौरा ए काग, पिहु को कहे ऊ संदेशड़ा, ए भौरा ए काग, सब तन चुनी चुनी खाइयो, दो नैना मत खाइयो है। मेरे प्रियतम का सारा शरीर तुम खा जाना, ए भौरा ए काग, सब तन चुनी चुनी खाइयो, दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। मेरा जो ये शरीर है उस सारे शरीर को खा जाना, लेकिन मेरी दो आंखों को मत खाना। क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों आंखों से मरने के बाद भी अपने प्रियतम को देखना चाहती हूँ। तो इसी सूफी काव्य परंपरा के अनुसार मीराबाई भी
तोते को संबोधित करते हुए कहती है, तू तो उड़ रे हरिया वन का सुबटा, सुबटा शुक वन का तोता, उड़ रे द्वारिका में जाए, उड़कर द्वारिका जा। सांवरिया ने कहियो ओलमा, सुआ चूचा पे लिखूली सलाम, पंखा पे करना ओलमा, सुआ चूचा पे लिखूंगी सलाम, मैं तुम्हारे तुम्हारी चोंच पर सलाम लिखूंगी, और पंखा पे करना ओलमा, पंखों पर वंदन लिखूंगी, प्रणाम लिखूंगी। इस प्रकार मीराबाई अपनी मधुरा भक्ति के कारण ही पशु पक्षियों को नारी सहज ईर्षा का भाजक बनाना चाहती है और प्रियतम श्री कृष्ण तक संदेश पहुंचाने का माध्यम भी बनाती है। तो मधुरा भक्ति, माधुर्य भाव की भक्ति के अतिरिक्त मीराबाई के मन में कृष्ण के प्रति अनन्य भाव है, जिसकी तुलना किसी के साथ की ही नहीं जा सकती, जिसकी समानता, जिस भाव, जिस प्रेम की समानता दुनिया की कोई चीज के साथ हम नहीं कर सकते। कृष्ण भक्तों की भक्ति अनन्य भाव की है, वे कृष्ण को छोड़कर और किसी देव की स्तुति दृढ़ आश्रय, दृढ़ यान चरणन कैरो भरोसो। सूरदास ने भी इसी भाव की अभिव्यक्ति करते हुए कहा है कि कृष्ण कामधेनु के समान है और अन्य देव छेरी के समान। छेरी कार क्या होता है, बकरी है? कामधेनु को छोड़कर, मतलब कृष्ण को छोड़कर अन्य देव की उपासना करना बकरी की उपासना करने के बराबर है। कृष्ण की भक्ति अंबुरस है, अंबुज रस है, अन्य देवों की भक्ति करील फल के समान है। अंबुज और करील फल, करील फल मतलब केले के फल के समान है। जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यों, क्यों करील फल खावे। करील, करील का अर्थ होता है अपने करेला। जिसने एक बार अंबुज का मतलब केरी का रस जो चखा है, वो करील का रस क्यों चाखेगा। मतलब कृष्ण भक्ति के रस का जिन्होंने पान किया है, वो अन्य कड़वे रस को क्यों उसका स्वाद चखेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। कामधेनु कृष्ण की भक्ति को छोड़कर बकरी को कौन दोए, मतलब बकरी की उपासना, अन्य देवी देवताओं की उपासना कौन करे। देखो कितना अनन्य भाव है हमारी कृष्ण भक्त कवियत्री मीरा का मन भी श्री कृष्ण चंद्र प्रभु के सौंदर्य में फंसा हुआ है। हेरी माँ नंद को गुमानी महरे मनड़े बसियो, कहे द्रुम दार कदम की ठाड़ो, मृदु मुस्काय महरी और हसियो। पिताम्बर कटकाछनी काछे रतन जटित माथे मुगुट कश्यो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर निरख बदन मारे मनड़ो फसियो। उसका बदन, उसका शरीर देखकर मेरा मन जो है उस कृष्ण की छवि में, उस कृष्ण की तस्वीर में बस गया। हेरी माँ नंद को गुमानी मारे मनड़े बसियो। हे माँ नंद, गुमानी मतलब वो अभिमानी कृष्ण जो है मेरे मन में बस गया। देखो अपने प्रियतम के लिए कैसे कैसे शब्द मेरा प्रयुक्त करती है, लेकिन प्रभु के लिए कभी ऐसे शब्द प्रयुक्त किए जा सकते हैं, मूर्ख दुष्ट अभिमानी, क्यों? प्रणय प्रेम के कारण। कहे द्रुम दार कदम की, कदम की दार को पकड़े हुए, ठाडो मृदु मुस्काय मारी और हंसियो। ठाडो बंकिम मुद्रा में खड़ा तो मेरी और हंस रहा है। पिताम्बर कटकाचनी है, पिताम्बर पहना है, कटकाचनी काछे रतन जड़ित माथे मुकुट कस्यो, सिर पर रत्न से जड़ित मुकुट पहना हुआ है,
मिराके प्रभु गिरधर नागर, निरख बदन महरो मनड़ो फसियो, तो कहीं श्री हरि के रंग में रंग जाती है मीरा। मीरा लागो रंग हरि औरन रंग अटक परी, साथ ही साथ श्री कृष्ण भक्ति किसी प्रकार की चेरी न होकर गज के ऊपर चढ़ने के समान बताती है। कृष्ण भक्ति कैसी है तो के हाथी के ऊपर चढ़ने के बराबर है। चोरी न करसिया जीवन सतास्या, काई करसी माहरो होई, गज से उतर कर खर नहीं चढ़सिया, ये तो बात न होई। अन्य देव की भक्ति करना गधे पर चढ़ने के बराबर है और कृष्ण की भक्ति करना हाथी के ऊपर चढ़ने के बराबर है। तो हम हाथी के ऊपर चढ़ेंगे या खर यानी गधे के ऊपर चढ़ेंगे? एक अन्य पद में यह स्पष्ट घोषणा करती है कि अपना कालर और कुश्ती वर ही भला होता है। एक स्त्री ने जिस पति के साथ शादी की है, भले वो चाहे रोगी हो, चाहे वो उसको कोई कुष्ठी कुष्ठ मतलब सफेद दाग उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया हो, उसको चेचक हो गया हो, लेकिन वो ही कालर, कालर का अर्थ मैंने कल शब्द कोश में बताया देखा था, तो ऐसा बताएगा कि जैसे हम अपने गले में कोई वो डोरी रखते हैं चमड़े की, ऐसा या कुष्ठी मतलब कोई रोगिष्ट पति, तो वो ही भला होता है। नी भर नाहल कालर अपनो ही भलो है, जामे निपजे चिर वही हीनो अपनो भलो है, कोटी कुष्ठी कोई। मतलब अपना देव ही अपना ही है, चाहे वो कैसा भी हो। जैसे एक स्त्री के लिए उसका पति चाहे तंदुरुस्त हो, चाहे रोगी हो, चाहे सौंदर्यवान हो, चाहे वो काला कुबला हो, लेकिन वही आराध्य होता है। उसी प्रकार एक भक्त के लिए उसका एक ही भगवान जो है वो आराध्य होता है। लेकिन हमारे सांप्रत समय में क्या होता है, एक दिन हम शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं, एक दिन माता जी के मंदिर में जाते हैं, एक दिन हवेली में जाते हैं, एक दिन स्वाध्याय में जाते हैं, एक दिन स्वामीनारायण में जाते हैं। ऐसा नहीं करनी चाहिए। कोई भी हमारा एक इष्ट जो है वो होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो सकता है। अपनी अपनी भावना के अनुसार मीराबाई ने यही बताया, यही अनन्य भाव है। जिसको हमने अपना इष्ट माना है, चाहे वो हमारी कुलदेवी भी हो सकती है, कृष्ण भगवान भी हो सकते हैं, शिव भी, कोई भी देव, लेकिन उसके प्रति हम अनन्य भाव से भक्ति करें। तो मीराबाई ने कृष्ण भक्ति परंपरा में वैष्णव भक्ति परंपरा के अनुसार अपने विचार रखे हैं, अपनी भावनाओं के अनुसार उन्होंने पदों की रचना की है। इस विषय में हमें यह अवश्य कह देना चाहिए कि एक कवि लेखक जो है अपने युगिन प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। मीरा से पूर्व काल में साहित्य के क्षेत्र में नाथ संप्रदाय का प्रभाव था, तो उन्होंने नाथ संप्रदाय के प्रभाव को ग्रहण करते हुए पदों की रचना की। फिर नाथ संप्रदाय के बाद संत काव्य कबीरदास, गरीबदास, चरणदास, सहजोबाय, अजोबाय, अनेक प्रकार के संत आए, तो उस संत संप्रदाय के प्रभाव को ग्रहण करते हुए बाह्याचारों का भी उन्होंने विरोध किया, गुरु के महात्म्य को स्थापित किया, उसके प्रभाव को ग्रहण करते हुए पदों की रचना की। फिर अन्य कृष्ण भक्ति परंपरा संबंधी संप्रदाय, जिसका उल्लेख हमने राधा वल्लभ संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय, फिर विष्णु स्वामी का, रामानुजाचार्य का द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, मतलब जितने भी कृष्ण भक्ति पुष्टि मार्ग की, तो हमने विशेष बात की महाप्रभु द्वारा स्थापित पुष्टि संप्रदाय, शुद्धाद्वैतवाद, अविकृत परिणामवाद,
पुष्टि मार्ग, व्यावहारिक क्षेत्र में जिसको पुष्टि मार्ग कहा जाता है, जिस पुष्टि मार्ग में भगवान की आठ प्रकार की सेवा की जाती है, आठ प्रकार से उसके दर्शन होते हैं। तो उस पुष्टि मार्गीय परंपरा से मीराबाई की विचारधारा अन्य विचारधाराओं से ज्यादा निकट है, ज्यादा नजदीक। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो बिल्कुल रूप से मीराबाई पुष्टि संप्रदाय से ही दीक्षित, जैसे एक पुष्टि संप्रदाय में हमारे दयाराम पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित होकर, दीक्षित तो समझते हैं जिसमें उन्होंने दीक्षा ग्रहण की हो, मतलब वो उसका सेवक हो, उस अनुसार मीराबाई जो है वो काव्य रचना नहीं करते जैसे सूरदास करते हैं, परमानंददास करते हैं, गोविंद स्वामी करते हैं, हैं? जैसे नंददास भी पुष्टि मार्गीय भक्त कवि है। नंददास ने तो एक बड़े महाराजा को भी आवत जावत पहनिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, हैं? अकबर से भी कह दिया था कि आप मुझे दूसरी बार मत बुलाना, क्योंकि आने जाने में मेरा समय व्यतीत हुआ और मेरे भगवान की स्मृति जो है विस्मृत हो गई थी। मतलब इस परंपरा से प्रभावित अवश्य है मीराबाई, लेकिन इस परंपरा से दीक्षित होकर काव्य की रचना वो नहीं करती। नवधा भक्ति की बात भी मीराबाई ने अवश्य कही है, नवधा भक्ति के आगे प्रेम लक्षणा भक्ति की बात भी अवश्य कही है, लेकिन जब आगे कभी समय मिलेगा तो नवधा भक्ति उसकी प्रेम लक्षणा भक्ति की बात करेंगे। लेकिन अब हमारे मन में प्रश्न ये होता है कि मीराबाई की के जीवन का ध्येय, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। संप्रदाय के अनुसार काव्य रचना करना नहीं, वो किसी संप्रदाय में बद्ध होकर काव्य, हाँ उससे प्रभावित अवश्य है, लेकिन बद्ध होकर चुस्त, जैसे दयाराम है पुष्टि संप्रदाय के चुस्त कवि हैं और उस चुस्त पुष्टि भक्त कवि के रूप में काव्य रचना करते हैं और कहते हैं कि बल्लभ के कुल में जन्मे सोई बल्लभ के समान, ऐसे कहते हैं। मतलब जो वल्लभ कुल में जन्म लेते हैं उसको, उस महाराज को अब वल्लभाचार्य के समान समझना। लेकिन मीराबाई ऐसा नहीं कहते, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित होकर काव्य रचना नहीं करते, लेकिन उससे प्रभावित होकर अवश्य ही काव्य रचना करते हैं। तो मीराबाई के जीवन का ध्येय येन केन प्रकार है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति करने का है, उसके जीवन का लक्ष्य कृष्ण को पाना, बस संप्रदाय मुक्त होकर वो कृष्ण बस मिलने चाहिए, उसके जीवन का ध्येय यही वो लिखती है। वो कहते हैं, चाला वही देश प्रीतम पावा, चाला वही देश कहो कसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष। आप कहे तो मैं साधु बन जाऊ, आप कहे तो मैं केसरिया कौन करते है, जिसमें त्याग की भावना होती है, जिसमें बलिदान की भावना होती है। कहो कसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन की मांग भरावा, मैं अपनी मांग अपनी सिंदूर मोतियों से भराऊं। कहो छिटकावा केस, कहो तो मैं अपने बाल जो है उसको बिखरा दूं, कहो छिटकावा केस, जैसे द्रौपदी ने बिखराए थे और प्रतिज्ञा ली थी कि जहां तक कौरव का नाश नहीं होगा, दुशासन का नाश नहीं होगा, वहां तक मेरे केस खुले ही रहेंगे। कहो छिटकावा केस, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सुन जियो बिड़द नरेश, ये मेरी बात जो है आप सुनना। और संप्रदाय का कवि तो एक
संप्रदाय में बद्ध रहकर काव्य करता है, लेकिन ये तो संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों की मुक्ति की चिंता करती है। 155वें पद में समस्त सृष्टि के प्राणियों की मुक्ति हो, समस्त वैश्विक भावना है उसका कल्याण हो, ये बात मीराबाई ने जो है बताई है। येन केन प्रकारेण कृष्ण को पाना चाहती, अपना गिरधर के कारणे मीरा वैरागण हो गई, जब ते सिर पर जटा रखाई नैना नींद नहीं आई, नैना नींद गई, दंड कमंडल और गुदड़ी सिर पर धार लई। क्योंकि पुष्टि मार्ग का भक्त जो है हाथ में दंड कमंडल है, और एक साधु जैसे कंबल रखता है, तो मीरा गुदड़ी रखने की बात करती, वो नहीं करता, लेकिन येन केन प्रकारेण कृष्ण पाना चाहती है। भले संत का जीवन जीना पड़े, भले नाथ संप्रदाय का जीवन जीना पड़े, कृष्ण मिलने चाहिए। छापा तिलक बनाए छवि से माला हाथ रही है, वो छापा लगाना चाहती है, तिलक करना चाहती है, अपने गले में वो दोरी पहनना चाहती है। दो कुल छांड मई वैरागण भरी सो तेर दई है, पिता का कुल भी त्यागा, माता का कुल भी त्यागा। दो कुल छांड भई वैरागण भरी सो तेर दई है, वैरागण में वैरागिनी हो गए, संन्यस्त जीवन जी रही हूं, हरि को टेर दई, पुकार रही, टेर देना हरि को मैं पुकार रही हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर गोविंद शरण भई है, गोविंद कृष्ण की शरण में आई हूँ, और मुझे किसी भी परिस्थिति में कृष्ण ही चाहिए, और कोई चीज मुझे नहीं चाहिए। यही मीराबाई की कृष्ण भक्ति है, और कृष्ण भक्ति परंपरा में मीराबाई का अनन्य स्थान है। अच्छा, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कृष्ण भक्ति परंपरा की बात कर रहे हो और मीराबाई की बात न की जाए तो वो बात शेष मानी जाती है। जैसे हिंदी में हम कहानी की बात कर रहे हो और चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखित उसने कहा था कहानी की बात न करें तो वो कहानी के उद्भव विकास की बात अधूरी मानी जाती है, शेष मानी जाती है। उसी प्रकार कृष्ण भक्ति परंपरा में जैसे भक्ति काल में अनगिनत कवि हुए जिसके बारे में हमने आपके साथ चर्चा की है, और हमारा सौभाग्य यही है कि मीराबाई के पद जो है हमें उसका अध्ययन करने का मौका हमारी ये पाठ्यक्रम समिति ने दिया है। इसलिए कृष्ण भक्ति परंपरा में अष्टछाप के जो कवि हैं, उन अष्टछाप के कवियों के बाद रसखान और रसखान के बाद मीराबाई का अनन्य स्थान जो है माना जाता है। मैंने ये बात भी बताई कि गुजराती में कृष्ण भक्ति परंपरा का प्रवर्तन भक्त कवि नरसिंह मेहता करते हैं। हमारे हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति परंपरा का नेतृत्व जो है वो सूरदास लेते हैं, उस नेता को साथ और सहकार देने वाले अन्य अष्टछाप के कवि तो हुए हैं, लेकिन एक अनन्य कृष्ण भक्त कवि यात्री के रूप में मीराबाई भी हुए हैं, और इस विषय में उसका स्थान अनन्य है और रहेगा। इस गुरुकुल महिला कॉलेज की ओर से विशेष करके डॉक्टर नागर साहब, आदरणीय प्रिंसिपाल श्री, विभागाध्यक्ष आदरणीय शांति बहन, और टेक्निकल स्टाफ सबने मिलकर मुझे कृष्ण भक्ति परंपरा में मीराबाई का स्थान विषय पर
अपनी प्रस्तुति करने के लिए इस कॉलेज की बहनों के साथ ऑनलाइन वार्तालाप करने के लिए जो मौका दिया है, इस मौके में मौके के लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। और इस कॉलेज के अर्थशास्त्र के प्राध्यापक कारावद्रा साहब भी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित है, इसलिए आपका मैं शुक्रगुजार करता हूँ। राज्य गुरु साहब बहन का नाम मोटा बहन का भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ, और किसी का नाम लेना भूल गया हूँ तो मुझे क्षमा करना। और इस वार्तालाप के दौरान मेरी कोई क्षति रह गई है तो अल्पमति जानकर क्षमा करना आप सबका, धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं शांति मन से प्रार्थना करूंगा कि आप हर वृद्धि करें और इस सत्र को पूर्णता की ओर आगे बढ़ाए। हेलो, हाँ धर भाई सुनाई देता है? हेलो सुनाई दे। हाँ नमस्कार। आदरणीय प्रिंसिपल डॉक्टर नागर सर, डॉक्टर जसी सर, धवल भाई और उनकी टीम एवं सभी छात्राएं, सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर किरीश भाई ने वेद पुराण भागवत में कृष्ण भक्ति की बात करते हुए हिंदी साहित्य में आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल में कृष्ण भक्ति की बात की। मैं ये कहना चाहूंगी सर कि शायद जोशी सर का रस का विषय कृष्ण भक्ति साहित्य है, और शायद जोशी सर ने पीएडी भी लगभग ऐसे ही कुछ विषय में किया है। इसके साथ साथ मुझे करीबन थोड़ा बहुत याद है वहां तक जोशी सर ने कृष्ण भक्ति आंदोलन हिंदी और गुजराती दोनों का कंपेरेटिव एक पुस्तक भी लिखा है। कहने का मतलब कि जोशी साहब का कृष्ण भक्ति साहित्य पर गहन अध्ययन रहा है, उनका जो ज्ञान गहन रहा है, और अष्टछाप के कवि और प्रणामी संप्रदाय पर भी उनका गहन अध्ययन रहा है। तो आज जोशी सर ने कृष्ण भक्ति परंपरा में मीरा का स्थान की बात विस्तृत रूप में हमारे समक्ष रखी, हमारी छात्राओं को उनका लाभ दिया, और हमारी छात्राओं के लिए ये ज्ञान बहुत ही उपयोगी रहा है। तो मैं हमारी कॉलेज की ओर से, हमारे आचार्य सर की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से और हमारी छात्राओं की ओर से जोशी सर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद, आपका ये ज्ञान का लाभ हमें मिलता रहे, और आप हमारे एक परिवार की तरह है तो समय समय पर हम अवश्य आपका लाभ लेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारी छात्राओं के लिए ये समय का दान दिया और ये ज्ञान हमारी बच्चों को दिया, जो आने वाले समय में उसे बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो सभी का धन्यवाद, साथ ही हमारे आचार्य श्री का भी मैं धन्यवाद अदा करती हूँ कि हमारे आचार्य श्री ने ये बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था की है कि घर बैठकर हमारी छात्राएं अपने ज्ञान को ताजा करें। इसके साथ ही हमारे धवल भाई और उनकी पूरी टीम जो एक बहुत मेहनत कर रही है ऑनलाइन के लिए, तो उन सभी टीम का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इसमें धवल भाई, पूर्वी मैडम और अमी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। विशेष करके मैं इस कार्यक्रम में जो छात्राएं सम्मिलित हुई है और उन्होंने जो अपने पाठ्यक्रम के विषय का लाभ लिया है, उसका भी विशेष आभार मानना चाहता हूँ। ओके, धन्यवाद। नमस्ते।